लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि हाँ, जब इंटर अटोमिक स्पेसेस हम डिक्रीज कर रहे हैं, जब हम सिंगल एटम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एस पी डी एफ में आपको दिख रहा था। देन उसके बाद जब हमने एटम से क्रिस्टल पे गए, जहाँ पे कई सारे एटम आपस में हमने एक साथ रखे हुए हैं या एक साथ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड उन्होंने बना रखे हैं, और उनके बीच की जो इंटर अटोमिक स्पेसिंग है वो जैसे जैसे कम होती गई, तुमने चेंज इन एनर्जी एनर्जी स्टेट्स में जो चेंज हो रहा था वो तुमने देखा कि किस तरीके से तुम्हारा जो पहले जो डिस्क्रीट लेवल्स थे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल थे एस टाइप पी टाइप के, वो तुम्हारे स्प्रेडिंग हुई उनकी वो बैंड के फॉर्म में आए। देन उनका बैंड फॉर्मेशन होने के बाद वो दोनों बैंड आपस में मिले, उनकी जो स्टेट्स थी वो सारी एक में आई। आफ्टर दैट फिर और इंटर एटॉमिक स्पेसेस हमने कम की, तो तुम्हारा क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो बैंड है दो डिफरेंट बैंड में ऐसे डिवाइड हो गए, एक तुम्हारा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल्ड थे और दूसरा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एम्प्टी थे। तो जो हमने जो जो पूरी तरह से जिसमें इलेक्ट्रॉन सारे फिल्ड थे उसको हमने क्या बोला, वैलेंस बैंड बोला। एंड जो जिसमें हमारे जो जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री एम्प्टी था जो हमारा, उसको हमने क्या बोला है, कंडक्शन बैंड बोला है, राइट। और उन दोनों के बीच में जो हमारा गैप क्रिएट हो रहा था उसको हमने क्या बोला कि वो एनर्जी गैप है या फॉरबिडन एनर्जी गैप है। हम आगे कई बार पढ़ चुके हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप कि हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कराने तो जो मिनिमम एनर्जी देनी होगी वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर देनी होगी। इंसुलेटर में तुम्हारा एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, कंडक्टर में जीरो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी कि हाँ किस तरीके से हमारा एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन हुआ। नाउ अब हमें जो आगे देखना है कि हाँ किस तरीके से ये जो तुम्हारी एनर्जी है वो किस तरह से वेव वेक्टर या मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों फिनोमेना पे किस तरह से डिपेंडेंट होती है, किस तरह से टाइम टू टाइम अगर हम वेव वेक्टर या मोमेंटम चेंज करते हैं तो किस तरह से तुम्हारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं, राइट। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे रॉनिंग एंड पेनी, उन्होंने एक मॉडल प्रोवाइड किया। तो उस मॉडल को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बेसिकली इनिशियली क्या रीड किया, पोटेंशियल फंक्शन रीड करना स्टार्ट किया कि मतलब कोई भी सिंगल आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है तो उसका पोटेंशियल फंक्शन बेसिकली कैसा होगा, ठीक। तो हमें पता है कि जब आप बात करते हो एक सिंगल एटम की, ठीक है, उसके चारों ओर ऐसे तुम्हें डिफरेंट सेल्स डिफरेंट ऑर्बिट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। तो हमने ये चीज अपने जो 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना नियर बाई होगा, जितने पास में होगा, उनके बीच की जो एनर्जी होगी न्यूक्लियस और उनके बीच, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो आपस में उनको अट्रैक्ट कर रही होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा हो। मीनिंग जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही। तो देखो यहाँ पे भी इस डायग्राम पे देखो, इस डायग्राम ने भी बेसिकली आपके उसी सिंगल एटम को का जो एनर्जी है उसकी प्रोफाइलिंग की है, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो एटम है वो कहीं यहीं कहीं पे है, इसी मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो एक्सेस है, ये बेसिकली शो कर रही है तुम्हारी उसी एटम को, मीनिंग तुम्हारे जो एटम का न्यूक्लियस है उस एटम के न्यूक्लियस को बेसिकली शो कर रही है, राइट। तो जब जैसे जैसे और ये जो पोटेंशियल है ये यहाँ पे जो देख रहे हो, ये पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, या ये कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफी लो है, ठीक। तो मीनिंग जैसे जैसे तुम एटम से इधर देखो दूर जा रहे हो, जैसे जैसे तुम एटम के न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, रेडियस तुम्हारी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। वैसे वैसे एनर्जी तुम्हारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले तुम्हारी एनर्जी हाई थी, देन तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट थिंग तो हमें यह समझनी है कि जब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर बाई है उनके पास एनर्जी ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी जो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज कर रही है। मतलब अगर एक सिंगल एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो वो पोटेंशियल फंक्शन कैसा है कि अगर उसको रेडियस पर डिपेंडेंट दिखाएं तो जैसे जैसे हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं,
है, जैसे जैसे उस ऑर्बिट की रेडियस, सेल की रेडियस इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो एनर्जी जो है उनकी, इलेक्ट्रॉन्स की जो उस ऑर्बिट में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, राइट। देन ये तो बात हुई जो तुम्हारे आइसोलेटेड एटम थे। आफ्टर दैट जब हमने क्रिस्टल की बात की, जब हम क्रिस्टल की बात करें जहाँ पे तुम्हारे कई सारे एटम्स तुम्हारे सिलिकॉन के या किसी भी सेमीकंडक्टर के कई सारे एटम एक साथ क्रिस्टल को फॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इन इन एटम्स की जो एनर्जी थी, ये जो बात हो रही है, ये इसको केवल एक को देखो, ये एक जो किसी एक किसी पर्टिकुलर एटम के एनर्जी प्रोफाइल को शो कर रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरे एटम की भी इसी तरह से एनर्जी प्रोफाइल होगी, सिमिलरली तीसरे के भी, मतलब जितने भी क्रिस्टल में जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम होंगे उन सब की एनर्जी प्रोफाइल्स ऑलमोस्ट, अगर आइसोलेटेड उनको देखें, मतलब सिंगल एटम को देखें, तो वहाँ पे उनकी प्रोफाइल कुछ इसी तरीके से होगी, ठीक। अब जब आपस में ये एक क्रिस्टल में एक साथ में आइए, तो इनकी जो पोटेंशियल फंक्शन, ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस टाइप का हो रहा है, मीनिंग एक तरह से ये कह सकते हैं जो इनका पोटेंशियल फंक्शन है वो एक दूसरे के पोटेंशियल फंक्शन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई चेंजेस दे रहा है, ठीक। और जब हम इसका ये जो क्रिस्टल का फाइनल पोटेंशियल फंक्शन देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम मिल रहा है, ठीक। हमें बस इतनी बात यहाँ से समझनी है, इसको पूरे डायग्राम या ये जो तीन डायग्राम या जो हमने मॉडल देखा, रनिंग प्रेडिक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, उसमें हमें तीन बातें समझनी है। पहली कि तुम्हें तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वैसे वैसे तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो रिड्यूस हो रही है। सेकंड थिंग जो हमें समझनी है वो ये कि जब जब एटम, कई सारे एटम मिलके क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल एटम की एनर्जी जो है आपस में कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर रही है, एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है क्वालिटेटिवली, हमने अभी पहले देखा कि हाँ कैसे एनर्जी बैंड स्प्रेडिंग होती है सारी चीजें, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की, ठीक है। उन्हें इन्हें जब इस टाइप का प्रोफाइल मिला, जो इस टाइप का तुम्हें प्रोफाइल मिला जो क्रिस्टल का, तो साथ में उन्होंने एक अजम्पशन दिया अब अपने मॉडल में, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि इस जो पोटेंशियल फंक्शन है उसको कुछ इस तरह से मान लो, मीनिंग जो ये वाला पोटेंशियल फंक्शन था उन्होंने उसको इस तरह से अज्यूम किया, मीनिंग इस तरह से पीरियोडिक फंक्शन अज्यूम किया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो कि जरूरत क्या थी इस मॉडल में, नीड क्यों थी, हम क्यों पोटेंशियल फंक्शन पे ज्यादा फोकस हो रहे थे, हमने ऑलरेडी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया था, हम पोटेंशियल फंक्शन पे ज्यादा फोकस्ड क्यों थे। रीजन ये था कि ये जो मॉडल था ये बेसिकली क्या कर रहा था कि जब क्रिस्टल के एनर्जीज को, मतलब अभी तक जो हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वो केवल क्वालिटेटिवली देखा था, मीनिंग हमने थ्योरेटिकली समझा था कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा, और इस मॉडल ने बेसिकली मैथमेटिकल डेरिवेशन किए और वहां से फाइंड आउट किया कि हाँ किस तरीके से तुम्हारी जो एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का चेंजेस ला रही है, ठीक। तो उस मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए इन्होंने क्या यूज किया, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज की, ठीक। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जब इन्हें यूज करनी होगी तो पहला टर्म जो इन्हें चाहिए होगा वो वेव फंक्शन चाहिए होगा, ठीक है। जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, जिस क्रिस्टल की आप बात कर रहे हो, उसका वेव फंक्शन चाहिए होगा, एंड सेकंड थिंग जो इन्हें चाहिए होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल फंक्शन चाहिए होगी, राइट। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए कि हाँ काफी चीजें तो तुम्हारे वेव फंक्शन के डेरिवेटिव से निकल आती हैं, और सेकंड चीज जो हमें चाहिए होती है वो पोटेंशियल फंक्शन चाहिए होती है। तो मॉडल में क्या किया गया, इस पोटेंशियल फंक्शन को ही हमने अज्यूम किया कुछ इस तरह से, रीजन इस तरह का पोटेंशियल वेल अज्यूम करने का कि जहाँ पे कुछ इस तरह का ये देखो वेल बन रहा है, इसलिए इसको पोटेंशियल वेल हम बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अज्यूम करने का रीजन ये था कि अब हमने कुछ जो हमारा रियल रियल पोटेंशियल फंक्शन था उससे काफी सिमिलर पोटेंशियल फंक्शन ये था, एंड यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन काफी इजी, ठीक है। हमें उस मैथमेटिकल डेरिवेशंस पे नहीं जाना है कि एग्जैक्टली पैनी मॉडल में क्या क्या डेरिवेशन किए, किस तरह से उन्होंने बाउंड्री कंडीशंस ली, उन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं होना है, बस हमें ये बात समझनी है कि उन्होंने जब मॉडल अपना क्रिएट किया था तीन चीजें समझी थी, एक कि हाँ पोटेंशियल फंक्शन जो होगा
अगर सिंगल एटम का पोटेंशियल फंक्शन देखेंगे तो वो कैसे हो रहा होगा, रेडियस के साथ उसका रिडक्शन हो रहा होगा। सेकंड, जब वो हम क्रिस्टल फॉर्म करेंगे तो सारे एटम एक दूसरे के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होंगे, या उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो इस मॉडल के हमें बेसिकली रिजल्ट्स यूज करने हैं, इस मॉडल के हमें रिजल्ट्स यूज करने हैं अपना ईके डायग्राम समझने के लिए। हमें बेसिकली समझना क्या है, ईके डायग्राम समझना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस मॉडल के रिजल्ट्स चाहिए थे। तो इस मॉडल ने जब मॉडलिंग की, पोटेंशियल फंक्शन की, या उस पार्टिकल की, क्रिस्टल पार्टिकल की, किसी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पार्टिकल की, तो उन्होंने बेसिकली एक रिलेशन दिया एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में। यहाँ पे के क्या है तुम्हारा, वेव वेक्टर है, ठीक है। तो इस एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड किया, उस रिलेशन को ही सॉल्व करके, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके हम बेसिकली देख पाते हैं कि किस तरीके से वेव वेक्टर पे डिपेंडेंट है तुम्हारी एनर्जी। जैसे जैसे वेव वेक्टर चेंज होगा, जैसे तुम्हारी एनर्जी में चेंजेस आएंगे। तो उस मॉडल का ये एक रिजल्ट हमको यूज करना है, पी डैश साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, ठीक है। हमें इसको करने में उन्होंने क्या अजम्पशंस लिए, क्या चीज़ें ली, इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं होना है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हाँ, रॉनिन पेनी मॉडल से, ठीक है, हमें एक रिजल्ट, ये रिजल्ट मिल रहा है, और इस रिजल्ट पे फोकस होकर हमें ई के डायग्राम को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें समझनी थी। जैसे इन्होंने कुछ टर्म यहाँ पे दिए, जैसे ये पी डैश जो था, ठीक है, पी डैश एक तरह से अजम्पशन था, वो बेसिकली डिपेंडेंट था एम वी नॉट बी ए अपॉन एच डैश स्क्वायर, ठीक। अब देखो पी डैश का ये इक्वेशन देख रहे हैं, एम वी नॉट बी ए एच डैश स्क्वायर। हमें ये जो ऊपर हमने अभी ये सारी चीज़ें देखी, ये बस इसीलिए देखनी थी कि तुम यहाँ पे बी और ए एग्जैक्टली हैं क्या, इसका ये चीज़ें समझ सको, ठीक है, ज़्यादा क्लियर तुम्हें समझ में, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, अदरवाइज तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी, ठीक। तो देखो ए तुम्हारा क्या है, बेसिकली अगर पोटेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हो, जब तुम क्रिस्टल के पोटेंशियल फंक्शन का ये ऐसा पीरियोडिक डायग्राम देख रहे हो, तो उन्होंने क्या बताया, रीजन वन दिया, वो रीजन जहाँ पे वी एक्स जीरो, जहां पे वी एक्स जीरो है, वो रीजन तुम्हारा क्या है, जीरो से ए तक है। तो तुम्हारी ए यहाँ पे जो ए ये डिफाइन है, ये ए जो डिफाइन है, वो बेसिकली क्या है, वो रीजन है ओरिजिन से लेके ए डिस्टेंस तक, वो रीजन है जहां पे तुम्हारा जो वी एक्स पोटेंशियल फंक्शन है वो जीरो है। सिमिलरली बी तुम्हारा कौन सा रीजन है, या बी तुम्हारी जो डिस्टेंस की बात करें, बी डिस्टेंस की अगर बात करें, तो वो रीजन जहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन जो है, जैसे इस लेंथ को भी देखोगे तो ये भी बी लेंथ ही होगी, जैसे ये लेंथ ए है, वैसे ये लेंथ बी होगी। तो तुम्हारा बी बेसिकली क्या शो कर रहा है, वो लेंथ शो कर रहा है जिस लेंथ में तुम्हारा जो पोटेंशियल फंक्शन वी एक्स है वो वी नॉट के बराबर। ये दो बातें समझनी है यहाँ पे कि ए और बी बेसिकली है क्या, ये एक पिक्चर क्लियर हो उसके लिए तुम्हें ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है, करेक्ट। हमें यहाँ से पी मिल गया। आफ्टर दैट ये जो अल्फा था, इसको भी हमने अज्यूम किया था एक टाइप ऑफ कांस्टेंट है, जो बेसिकली इक्वल होगा टू एम ई अपॉन एच डैश स्क्वायर, राइट। यहाँ पे एम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ही मास है, एंड ई तुम्हारी जो पार्टिकल की एनर्जी है, पार्टिकल की जो एनर्जी है, उस पार्टिकल की एनर्जी को डिनोट कर रहा है, राइट। तो हमें ये दो टर्म यहाँ पे देखते हैं, ए पी डैश एम वी नॉट बी ए अपॉन एच डैश स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू टू एम ई एच स्क्वायर, ठीक। तो इस ये दो टर्म अगर आपने देख लिया, उसके बाद अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या कर रही है, एनर्जी ई पोटेंशियल फंक्शन वी नॉट एंड वेव वेक्टर के, ठीक है,
इन तीनों में रिलेशन प्रोवाइड कर रही है। जो इक्वेशन है ये वाली पी डैश साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, ये बेसिकली क्या कर रही है, अल्फा अल्फा यहाँ पे जो है वो ई को कंटेन कर रहा है, एनर्जी को कंटेन कर रहा है, पी डैश जो है यहाँ पे वो वी नॉट को कंटेन कर रहा है। तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या कर रही है, वी नॉट यानी पोटेंशियल फंक्शन वेव वेक्टर एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रही है। करेक्ट, अभी वेव वेक्टर का डाउट जिसका भी था, तो जैसे जैसे अभी जैसे थोड़ा सा ई के डायग्राम में थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो मैं वेव वेक्टर प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली वेव वेक्टर क्या है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से ये तुम्हारे और फिजिकल फिनोमिनास जो है और जो पैरामीटर है तुम्हारे पार्टिकल्स उनसे किस तरह से रिलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी तुम्हें जो समझना था वो बेसिकली तुम्हें ये समझना है कि हाँ यहाँ पे जो ये कॉन्स्टेंट ए है वो क्या है, तुम्हारा कांस्टेंट बी है वो क्या है, पी डैश किस तरह से वी नॉट पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल फंक्शन बेसिकली ये जो इस तरह का पोटेंशियल फंक्शन ये जो बन रहा है वो बेसिकली बन किस तरह से रहा है। ठीक है, तो ये बातें अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ई के डायग्राम को समझने के लिए तुम्हें फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो ये इक्वेशन होगी पी डैश साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। ये चीज़ तुम्हें फिलहाल के लिए अभी ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखनी होगी, तुम्हें ये इसका डेरिवेशन या इसके ये कहाँ से आई इस पर अभी फोकस नहीं होना। जो लोग भी अगर चाहते हैं उनको मैं नोट्स अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, वो उससे देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट होता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है, अगर मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको इसी इक्वेशन पे इन जनरल फोकस्ड होना है जब भी ई के डायग्राम की बात करनी है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो नज़र आ गई कि जो ये पी डैश है वो बेसिकली क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट है। करेक्ट, तो अगर हम एक बात करें कि हाँ हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन लिया है जो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, मीनिंग हमारे इलेक्ट्रॉन के पास पे किसी भी तरीके का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, किसी भी तरह की कोई एनर्जी फोर्स उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसका जो वी नॉट जो उसका पोटेंशियल है वो कैसा है, जीरो। जो अभी हम पहला ई के रिलेशन देखेंगे वो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ अगर हमारा कोई फ्री स्पेस में इलेक्ट्रॉन है तो उनका ई के एनर्जी और वेव वेक्टर में रिलेशन किस तरीके से आ रहा है। करेक्ट, तो अगर हमने कहा कि हमारा वी नॉट जीरो है, अगर हमारा वी नॉट जीरो है दैट मीन्स पी डैश जो कि इक्वल टू है एम वी नॉट बी ए अपॉन एच कैप का स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि जब पी डैश अगर जीरो है मीनिंग ये वाला टर्म जो है ये पूरा टर्म आपका जो ये पूरा टर्म है ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए अल्फा इज इक्वल टू के। करेक्ट, तो यहाँ हमें क्या मिला कि अल्फा इज इक्वल टू के। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू क्या थी 2m e अपॉन h डैश स्क्वायर इज इक्वल टू k, सॉरी एक करेक्शन है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे करेक्शन है, ये जो 2m e अपॉन h कैप का स्क्वायर है ये बेसिकली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m e अपॉन h डैश स्क्वायर। तो ये करेक्शन यहाँ पे देख लेंगे, अगर आप जिसने भी नोट्स बना रखे हैं नोट्स में अपने इसको करेक्ट कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच डैश का स्क्वायर। और यहाँ से हमें अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 2me अपॉन एच डैश स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंपलीफाई इसको कर ले, ए स्क्वायर एच स्क्वायर
अपॉन टू एम, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिला कि E और K में अगर हम रिलेशन देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा है y is equal to x square, जबकि यहां देखो मास जो होगा, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, पार्टिकल की बात हो रही है, तो मास कांस्टेंट है। सिमिलरली ये जो h dash square है ये भी क्या है, मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि जो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, E इक्वल टू, अगर हम इस पूरे h स्क्वायर अपॉन 2m को कुछ एक कांस्टेंट दे दें, लेट्स से m, लेट्स से x, तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू x के स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है, हमें जो रिलेशन मिल रहा है कुछ इस तरह का मिल रहा है, y इक्वल टू x स्क्वायर जैसा। अच्छा, ये y इक्वल टू x स्क्वायर किस चीज का रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या पैराबोला। तो जो हमें हमें एक चीज क्लियर हुआ कि जो अगर हम फ्री स्पेस की बात करेंगे तो फ्री स्पेस का ई की डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ इस तरीके का तुम्हें ई के डायग्राम मिलेगा। अभी इस पर फोकस नहीं होगी कि यहाँ पे ये P क्या है, अभी हम इस पे आ रहे हैं कि ये P क्या है। अभी हमको बस इतना देखना है कि ये जो E है, E के डायग्राम जो बन रहा है इसका, वो बेसिकली कैसा बन रहा है, E वर्सेस की बन रहा है, जो पैराबोला की तरह बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमें एक चीज देखो, हमने एक चीज देखी कि अंडर रूट 2me अपॉन h डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा था, k मिल रहा, करेक्ट। जब हम बात कर रहे थे फ्री स्पेस की, जहां पे पोटेंशियल फंक्शन जो हमारा था वो जीरो था, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी जीरो होगी। तो अगर ई हमारी टोटल एनर्जी है, ई अगर हमारी टोटल एनर्जी है तो ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ई जो होगा वो इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी के, रीजन कि हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी यहाँ पे जीरो है, दैट मींस जो ई होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और हमें पता है कि अगर हम वेलोसिटी और मास के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहें तो हमारी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू इंटू एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एच डैश इज इक्वल टू के, टू और टू कैंसिल, यहां से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच डैश स्क्वायर, मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी अपॉन एच डैश स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब ये बताओ ये एम वी क्या है, एम वी क्या है, हमारा मोमेंटम है, ये क्या हो गया पी। यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, P is equal to क्या आ रहा है, h dash square into k। तो यहाँ पे भी h dash square क्या है, h dash square तुम्हारा एक कांस्टेंट है, that means जो हमारा पार्टिकल का मोमेंटम है वो भी प्रोपोर्शनल है पार्टिकल के वेव लेंथ, मीनिंग यहाँ पे भी तुम्हें एक रिलेशन मिल रहा है पार्टिकल के वेव नेचर और उसके पार्टिकल नेचर, है ना, दोनों भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक तरह से आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लेंगे कि ये P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, h डैश k आ रहा है, ठीक है। h डैश यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वजह से जो तुम्हारा मोमेंटम और वेव वेक्टर है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से देखो यहाँ पे जो ये ई के डायग्राम बना था, यहाँ पे जो ई के डायग्राम होता है उसको हम चाहे तो ये भी कह सकते हैं ई डैश डायग्राम भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा वेव वेक्टर है वो प्रोपोर्शनल है पी के। तो जब तुम्हारा जैसा तुम्हारा ई के डायग्राम बनेगा, मतलब एनर्जी और वेव वेक्टर का डायग्राम जैसे बनाओगे, सेम ग्राफ तुम्हारा एनर्जी और मोमेंटम का भी बनेगा।